हेलो एवरीवन, एसएस क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल साहू, आप देख रहे हैं एसएस क्रिएशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ की टेक्स्ट बुक हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर द थ्री क्वेश्चन, उसका पार्ट सेकेंड। द किंग टर्न राउंड एंड शो अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। जैसे ही राजा पीछे मुड़ के देखता है, उसकी तरफ एक आदमी भागता हुआ आ रहा होता है। कोई दाढ़ी वाला कोई आदमी है, वो हट की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और वो आदमी अपना हाथ जो है उसे अपने पेट में दबाकर पकड़ा हुआ होता है और उस आदमी के हाथ में पूरा खून ही खून लगा होता है। और वो आदमी जैसे ही किंग के पास पहुंचता है, बेहोश हो जाता है। किंग और हरमित उसके कपड़े को हटाते हैं और उसकी चोट को साफ करते हैं कि राजा अपने हैंकरशिप से, मतलब अपने रुमाल से उसके चोट को साफ करता है और फिर ड्रेसिंग करता है। फिर भी उस आदमी का ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, तो फिर जो राजा होता है वो पूरी कोशिश करता है अच्छे से दूसरे कपड़े से उसके चोट को साफ करता है और दबाता है, तो फिर फाइनली उसका जो ब्लड होता है रुक जाता है और फिर उस आदमी को थोड़ा थोड़ा बेटर लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो फिर वो कुछ पीने के लिए मांगता है, तो फिर राजा जाके फ्रेश वाटर उसको ला के देता है, ताज़ा पानी ला के देता है। और उस टाइम तक जो सन होता है वो पूरी तरह से छुप चुका होता है और हवा ठंडी चलने लगती है। और जो किंग होता है वो हरमिट की हेल्प से चोट वाले आदमी को झोपड़ी में लेके जाता है, हट में लेके जाता है और फिर उसको बेड में लिटा देता है। और फिर वो जो आदमी होता है वो सो जाता है और किंग भी काफ़ी थक चुका होता है, इसलिए वो जैसे ही लेटता है उसको भी नींद आ जाता है। फिर कुछ टाइम बाद, मतलब जब सुबह होती है, तो राजा की नींद खुलती है और एकदम से राजा को लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ कुछ मिनट के लिए। फिर थोड़ी देर में राजा को, कुछ दो तीन मिनट में ऐसे ही राजा को सब याद आ जाता है कि मैं यहाँ किस अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए आया था, ऐसा ऐसा उसको ध्यान में आ जाता है। और जो बी एड मैन होता है वो बेड पे लेटा हुआ होता है और धीमी धीमी आवाज़ में एकदम से बोलने लगता है राजा को कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, हल्की सी आवाज़ में बोलता है। तो फिर राजा की इसी बात से नींद खुलती है। हल्की सी की कौन बोल रहा है? फिर राजा बियर्ड मैन से बोलते हैं कि आप किस बात के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? तो फिर वो जो बियर्ड मैन होता है वो बोलता है कि आपको नहीं पता है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ और मैं आपको दुश्मन मानता था और मैं ये कसम खाया था कि मैं आपसे बदला लूँगा, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरने के लिए आदेश दिया था, मतलब उसको डेथ के लिए आदेश दिया था और हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसको भी आपने सीज कर लिया था, हमसे वापस ले। मुझे पता चला कि आप हरमित से मिलने अकेले ही आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको मारने का प्लान बनाया। और जब वापस जाएंगे तो आप अकेले ही होंगे और उस समय मैं आपको मार दूंगा। मगर हुआ ये कि आपका मैं इंतज़ार किया, शाम हो गया, लेकिन फिर भी आप वहाँ वापस नहीं आए और जिस जगह पे मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं निकला और जैसे मैं वहाँ से निकला आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और हुआ ये कि उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मैं जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से बच निकला। लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरी चोट को साफ नहीं करते और मेरा ध्यान नहीं देते। मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मुझे ज़िंदा किया, मुझे ज़िंदगी दी। अब मैं जब ज़िंदा रहूँगा तो मैं आपका फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, मतलब एक सच्चा सेवक बन के रहूँगा। और मैं अपने बेटों को भी कहूँगा कि वो जो बियर्ड मैन होता है वो राजा से माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर जो राजा होता है वो बहुत खुश हो जाता है, काफ़ी खुश हो जाता है और बोल सोचता है कि मेरा एक दुश्मन था अब वो मेरा दोस्त बन चुका है। तो जो एनिमी था, राजा का जो एनिमी था, जो राजा को मारना चाहता था, वो अब राजा का दोस्त बन चुका होता है। तो राजा इस बात को जान के बहुत खुश होता है और वो उसको माफ़ कर देता है
और उसको प्रॉमिस करता है कि राजा बियर्ड मैन को प्रॉमिस करता है कि उसके घर वो सर्वेंट भेजेगा और डॉक्टर्स को भी भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए, ख्याल रखने के लिए। और ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उस जो प्रॉपर्टी सीज किया था राजा बियर्ड मैन का, वो उसको वापस कर देगा। फिर राजा उसको वहाँ पे छोड़ के फिर हरमित से मिलने के लिए जाता है। हरमित जब वहाँ पे बीज बो रहा होता है अपने घुटनों में, मतलब अपनी नींव में झुक के, पर कल खुदाई की थी। तो राजा हरमित के पास जाता है और हरमित से बोलता है कि एक लास्ट बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। तो हरमित बोलता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी उन क्वेश्चंस के आंसर हैं जो तुमने मुझसे पूछे थे। उस टाइम हरमित ग्राउंड में काम कर रहा होता है। ग्राउंड में काम करते करते यही बोलता है। तो फिर राजा पूछता है कि किस तरह से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, बताइए तो सही। तो हरमित बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ये समझ में नहीं आता है कि मैं थक गया हूँ और तुम मेरे पे अपनी सहानुभूति नहीं दिखाते, तुम मेरे लिए खुदाई नहीं करते, तो तुम चले जाते। अगर तुम चले जाते तो ये जो आदमी है ये तुम पर कल अटैक कर देता, और अगर ये तुम पर अटैक कर देता तो क्या होता, कुछ भी हो सकता था, मगर तुम यहाँ पर रुके, तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम यहाँ पर रुकोगे और तुम्हारी जान बच गई। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो था वो टाइम था कि जब आप ग्राउंड को डिग कर रहे थे, मतलब उस समय उस टाइम पे जब तुम खुदाई कर रहे थे, तो ये तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था और मैं उस समय तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन था तुम्हारी लाइफ में उस समय पर। और जो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था वो था जो तुम काम कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। फिर ये वाला टाइम ख़त्म हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ों के आंसर्स यहाँ मिल गए। अब जब टाइम भाग गया, मतलब फिर अब क्या होता है कि अब जब मैन भाग कर आया तो क्या हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी उस आदमी की जान बचाना, जिसकी तुमने केयर की, उसकी ड्रेसिंग की और उसको तुमने मरने से बचा लिया, जिसकी वजह से तुमको पीसफुल महसूस हो रहा था और अच्छा लग रहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और मैन उस समय था वो वुडन मैन। और उस टाइम पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था उसको ड्रेस करना, उसकी ऊंट को मतलब ऊंट मतलब होता है चोट, उसकी चोट को और उसको ठीक करना। याद रखो हमेशा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम एक ही होता है और वो होता है अभी का जो टाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारे पास पावर होता है कि तुम किसी को कर सको, पावर ऑफ एक्शन होता है तुम्हारे पास। सबसे ज़्यादा तुम्हारे इंसान वो होता है जो तुम्हारे साथ होता है उस पार्टिकुलर टाइम पे, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है आपके साथ जो भी व्यक्ति है वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो काम कर रहे हैं वही काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि हम रहें ही ना, या कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर का नहीं पता। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो अभी का है। हो सकता है जिसे आज हम मिल रहे हैं फ्यूचर में हम उसे मिले ही ना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि जिस पर्सन के साथ हम हैं उसके साथ अच्छे से व्यवहार करें और उसके लिए अच्छा सोचें और उसके लिए अच्छा करें। ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा ही इस पर्पस से गया है कि हम इस दुनिया में अच्छाई फैलाएं और सबके लिए अच्छे बने रहें, सबके लिए अच्छे बने रहें। अब ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।
आपको कैसा लगा हमारे ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।